डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक का एलडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आजादी चौक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर डीसी लाहौर को वैक्सीनेशन सेंटर में तायुनात मुलाजमीन ने ब्रीफिंग दी। मुदस्सिर रियाज मलिक ने सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों से बातचीत की। शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन की अहमियत बारे आगाही दी गई। डीसी लाहौर ने कहा, कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने से समाजी जिंदगी की तरफ दोबारा बहाली मुमकिन होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की शहरियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज ने मजीद कहा, ज्यादा से ज्यादा शहरी कोरोना वैक्सीनेशन लगवाएं। मुदस्सिर रियाज मलिक ने वैक्सीनेशन सेंटर में इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं कि डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक का एलडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आजादी चौक वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर डीसी लाहौर को वैक्सीनेशन सेंटर में तायुनात मुलाजमीन ने ब्रीफिंग दी। मुदस्सिर रियाज मलिक ने सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरियों से बातचीत की। शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन की अहमियत बारे आगाही दी गई। डीसी लाहौर ने कहा, कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने से समाजी जिंदगी की तरफ दोबारा बहाली मुमकिन होगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की शहरियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज ने मजीद कहा, ज्यादा से ज्यादा शहरी कोरोना वैक्सीनेशन लगवाएं। मुदस्सिर रियाज मलिक ने वैक्सीनेशन सेंटर में इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया।